नमस्कार दोस्तों, मेरे और आपके चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आते रहती हूं देश दुनिया की हर एक चटपटी खबरें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोच थाना का और गया जिला गया पड़ता है, जिस लड़के का हत्या हो गया, गाना बंद कर। आपके गुजरात वाला जो अभी मुद्दा चल रहा था, जिस पे मैंने बातें की थी, मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। पप्पू भी नमस्ते, राजकुमार, निलकुशपा, अर्जुन भाई नमस्ते भाई। तो उनके दो बच्चे हैं, तो मैं जा रहा हूँ उन बच्चों से मिलने। और मैंने बस आप लोग के प्यार की वजह से आज मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, और मेरा शो भी है वहाँ पे लारी में, आज ही शो है। तो मैं जा रहा हूँ उनके घर पे, उन दोनों बच्चों को वो जब तक पढ़ेंगे तब तक पढ़ाऊँगा, और एक भाई की तरह उन बच्चों को गोद लेने का इरादा बनाया मैंने, क्योंकि वहाँ जाने का है कि वो अनाथ नहीं हो। उनके लिए हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस धरती पे, अगर हम लोग आगे आएंगे तो शायद कोई अनाथ नहीं होगा और अनाथालय नहीं होगा, क्योंकि आप सबने ही बनाया है हमें, आप लोगों का प्यार ही आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो बस उसी के लिए जा रहा हूँ। चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बस मैं चाहूंगा कि इधर चलिए। हाँ, बीरगंज गया था आदित्य भाई, जय परशुराम, गोड़ लगा था नहीं बाबा, सबके प्रणाम। पूरे परशुराम परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामना, क्योंकि हर ब्राह्मण पूजनीय होता है कृष्ण सुदामा की तरह। आपका प्यार मेरे प्रति बना रहे, ऐसे ही सुख बस कामना करता हूँ आप सबके लिए, और हर ब्राह्मण मेरे लिए बड़ा पूजनीय होता है। रीजन कि मैं एक, मेरे गुरुजी का नाम कमलाकांत मिश्रा है, और मैं हर ब्राह्मण को गुरु की तरह ही पूजता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा योगदान है मेरे ऊपर, जिन्होंने मुझे गायकी के क्षेत्र में बेटे की तरह प्यार दिया। बस मैं वीरू भाई इसीलिए मैं आगे आ रहा हूँ कि अगर हर हादसे के बाद अगर हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं इस धरती पे, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बस कुछ नहीं, आप सबके प्यारे हैं, आप सबकी मोहब्बत है, लेकिन बहुत सारे पैसे वाले लोग यहाँ हैं इस धरती पे। शायद ये सब देखकर अगर हर आदमी ऐसे अनाथ बच्चों को अगर गोद ले लिया, तो शायद वो अनाथ शब्द नहीं रह जाएगा धरती पे, और अनाथालय नहीं होगा इस धरती पे। पहले तो बच्चे ही अनाथ होते थे, आजकल तो माँ बाप भी अनाथ हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें अपने देश में समस्या है, इसी बेस पे मैं एक सिनेमा भी कर रहा हूँ, कुल्ली नंबर वन, क्योंकि मैं अब इसीलिए वो हर वो सब्जेक्ट कर रहा हूँ जिसे समाज को कुछ आईना की तरह दिखने को मिले कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। जैसे मेरा आज इतना प्यार, आज तीन सिनेमा को आप लोगों ने इधर इतना प्यार दिया कि शायद मैं उसके लिए कुछ करने पे मजबूर हूँ, और मैं आज किसी की बात नहीं सुनता, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात नहीं सुनता। वो रीज़न ये है कि हर आदमी घिसी पिटी कहानी लेकर आता है, और हर आदमी कोई कहता है कि नहीं ये गाना डाल दीजिए, वो गाना डाल दीजिए, ऐसा गाना डाल दीजिए। तो और जो भी YouTube पे चीज़ें चल रही है ना, कुछ लोग जो वीडियो बना के खेसारी अश्लील करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये साजिश है, ये मेरे पे आरोप नहीं है, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, तो इसको आप लोग बिल्कुल प्रमोट मत करिए।
मैं व्यक्तिगत जो हूं, खेसारी क्या है, मैं हर बार कुछ अच्छा करने की, और आप लोगों ने जो मुझे दिया है, चाहे वो पैसा हो, मेरे पास जो भी जीवन की मेरे हर वो चीज है, आप सबकी देन है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने, आप लोगों ने जो चंदा देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अगर इस चंदे के पैसे से अगर किसी का भी कुछ भला होता है तो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने उन बच्चों को पढ़ाने की, जब तक वो कुछ काबिल नहीं बन जाते हैं तब तक मैं उनको पढ़ाने का एक जिम्मा लिया हूँ, और मैं आज उसी के लिए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हर आदमी जाएगा, कोई पैसा दे देगा, कोई कुछ दे देगा, लेकिन उन लोगों को सहारा चाहिए, पैसे नहीं, उनको एक पिता की तरह उनका देखभाल करने वाला इंसान चाहिए। हम तो बन